नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपके कलर विजन का टेस्ट कैसे ALP टेक्नीशियन में किया जा रहा है? हालांकि टेक्नीशियन में तो ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं भी पास करते हैं, पास करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ALP टेक्नीशियन में, यानी कि टेक्नीशियन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ALP में तो ज़रूरी आपको ये कलर विजन पास करना होता है। तो हम आज आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि अगर जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ उसको अगर आप अच्छे से पढ़ पाते हैं तो ऑब्वियस है कि आप ALP में कलर विजन का जो टेस्ट है उसको पास कर लेंगे कंफर्टेबली। तो आप इसको पहले पढ़ के बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये जो आपको लिखा हुआ है उसको पास में ले जाकर नहीं पढ़नी है, मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जो आँख होगा वो तकरीबन 2 फीट की दूरी पर होगा। ठीक है, जो आप स्लाइड देख रहे हैं उससे आपका आँख का जो डिस्टेंस है वो 2 फीट की दूरी पे होगा, क्योंकि वहाँ पे इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। मिनिमम 2 या 2.25 तो रहेगा ही। ठीक है, 2 या 2.25 फीट की दूरी से आपको पढ़ाया जाएगा ये जो आपका कलर विजन वाला टेस्ट होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ये 57 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ से ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने, मुझे आशा है कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब अगला स्लाइड को देख लेते हैं। इस तरह से आपको 6-7 स्लाइड पढ़ाए जाएंगे, हालांकि वहाँ पे स्लाइड पे नहीं, तो वहाँ पे तो बुकलेट होता है, तो बुकलेट पे आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन बुकलेट में भी इतना ही बड़ा दिखता है। तो एकदम से आप समझिए कि अगर इस टेस्ट को अभी जो मैं ले रहा हूँ आपका, वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ भी आप क्लियर कर लेंगे। आपको ये वाला स्लाइड पढ़ना है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें आपका 6 लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से इसको जूम आउट करता हूँ। हाँ, इसमें 6 लिखा हुआ है, तो एकदम से यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा। जिनका कलर ब्लाइंडनेस है उसको थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन जिनका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है, एकदम से प्रॉपर इस तरह से दिखता है। अगला स्लाइड को देखते हैं, इसको आपको देख के बताना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तुरंत आपको अगर रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 1 सेकंड के अंदर बता देंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप तुरंत बता देंगे। जैसे ही मैंने स्लाइड पलटा, आप देख के बता दिए होंगे कि इसमें क्या लिखा है। तो इसमें 42 लिखा हुआ है, तो यानी कि जो बच्चे 42 पढ़ गए वो पास कर गए, यानी कि इसमें 42 लिखा हुआ था। अब इस स्लाइड की बात करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें थोड़ा सा हौच पौच ज़्यादा कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस करके पूछा जाएगा, तो इसमें भी 42 लिखा गया है। तो अगर इसको आप पढ़ गए हैं तो आप समझिए कि पास हैं। इस ये भी वो ये तो सेम ही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 12 लिखा है। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए, यहाँ पे 2 कलर में 3 लिखा हुआ है। ऊपर वाला जो कलर है वो थोड़ा लाइट ग्रीन है, नीचे थोड़ा डार्क ग्रीन है, तो इसमें 3 लिखा हुआ है। अगला देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर ये वाला पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हौच पौच लिखा हुआ है, अगर ये पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली कोई नहीं रोकेगा कि आपका कलर विजन टेस्ट पास होने से। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कितना, इसमें लिखा हुआ है 5। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ है 5। ठीक है, अगला स्लाइड देख लेते हैं, इसमें कितना लिखा हुआ है, 74। बस आपको मैं पलट रहा हूँ, आपका आंसर वहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से वहाँ पे आंसर देना होता है। तो जितने भी स्लाइड दिखाए उसमें मुझे आशा है कि आपने सभी को पहचान पाया होगा। तो अगर आप सभी को पहचान पाए हैं तो आप 100% ये कन्फर्म मानिए कि आपका कलर विजन वाला टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेलवे या कोई भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको सहायता जरूर की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।